नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डीके मिश्रा आप सबका अपने एजुकेशनल चैनल एविल मैथ्स पे स्वागत करते हैं। हम लोग सीटेट के लिए पढ़ रहे थे। आज सीटेट का आपका 4 नंबर लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। तो पेपर फर्स्ट और सेकंड मैथ के दोनों के एक साथ कंबाइन चल रहा है यहाँ पे। तो कंबाइन में अभी हम लोग नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नंबर के बेसिस पे जो मतलब नंबर थ्योरी है उसी के बेसिस पे क्लास चल रही है। तो इस कल की क्लास में हम लोगों ने डेसिमल टू फ्रैक्शन सीखा था, है ना। तो डेसिमल टू फ्रैक्शन जो हम लोगों ने सीखा था, डेसिमल टू फ्रैक्शन में हमने आपको तो कुछ क्वेश्चन दिए थे। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों ने सही सॉल्व किया है और लगभग लोगों ने सही जवाब भी दिया है। जिन लोगों ने ग्रुप में कमेंट किया, जिन लोगों ने रिप्लाई किया वहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ग्रुप में ही रिप्लाई किया है। तो कल का जवाब काफ़ी अच्छा रहा कल के लेक्चर का। तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोग ऐसे ध्यानपूर्वक पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे। और जो आपके पेपर फर्स्ट में 15 नंबर का वेटेज है मैथ का और पेपर सेकंड में 20 नंबर का कंटेंट का वेटेज है, उसमें से आप 15 में 15 और 20 में 20 लाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद सबसे यही रहेगी टोटल 20 में 20 और 15 में 15 ही आए, ठीक है। तो आज हम लोग डेसिमल टू फ्रैक्शन के जो क्वेश्चन है उसको लगभग लोगों ने सॉल्व किया। जिनको नहीं समझ में आया वो इसके बारे में आप हमने कई बार बोला, जिनको नहीं समझ में आया वो मैसेज करें, बट ऐसा किसी ने नहीं रिप्लाई किया कि सर मेरे को समझ नहीं आया। तो हम उस पॉइंट को छोड़ते हैं, जो क्वेश्चन आपको दिए गए थे उसको हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं, आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं, आगे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। अभी हमको साइंस भी पढ़ना है तो मैथ के अभी नंबर ही पढ़ रहे हैं, और भी टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, जिसमें से आज आपका 4 या 5 4 तारीख शायद हो गया, 4 तारीख की 5 तारीख, आज 5 है सॉरी, तो 5 हो गया आज आपका, तो 5 हो गया। तो आपके पास उधर 19-20 में लगभग 20-21 जो भी एग्जाम है, एग्जाम की डेट, तो कुल मिला के आपके पास 1.5 महीने का समय बचता है। तो 1.5 महीने में हमको मैथ भी पूरा कवर करना है और साइंस भी, तीनों आपको कवर करने हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा तेजी से इंक्रीज करते हैं अपने मैथ के पोर्शन को। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक को लेके बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज आपको नोटिस करा दें, काफी लोगों को पता होगा, काफी लोगों को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता वो ध्यानपूर्वक पढ़ें, और जिनको पता है वो भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि ध्यानपूर्वक ना पढ़ें छोड़ दें, ठीक है। चलिए, तो हमने आपको पढ़ाया था नेचुरल नंबर। क्या पढ़ाया था? नेचुरल नंबर पढ़ाया था, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ाया था? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, चलो थोड़ा सा किनारे साइड लिख लेते हैं, यहां से लिखते हैं प्राकृतिक संख्या, मतलब आपका क्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा हमने आपको बताता है प्राकृतिक संख्या में कहां से 1 2 3 सो ऑन, कहां तक, अनंत तक की संख्याएं आती हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया था आपको इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर्स में हमारे पास जो संख्याएं आती हैं वो कहां से शुरू होती हैं, 2 4 6 इस तरह अनंत तक जाती हैं। और तीसरा हमने पढ़ाया था आपको ऑड नंबर। क्या पढ़ाया था? ऑड नंबर पढ़ाया था। तो ऑड नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, 1 3 5 7 तो वन कहां तक, इनफिनिट। तो इवन नंबर मतलब क्या, सम संख्या, सम। ऑड का मतलब क्या, विषम, सम और विषम। ये सारी चीजें हमने आपको पढ़ा रखा है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ा थे, वर्गीकरण जब कर रहे थे, तो वहां पे हमने आपको इस विषय के बारे में और नंबर्स के बारे में चर्चा किया। अब हमको बात करनी, अभी तक तो हमने क्लासिफिकेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनने थे उसको हमने आपको सिखाया, कुछ डेसिमल के पॉइंट से जो क्वेश्चन बनने थे उसके बारे में चर्चा कर। बट क्लासिफिकेशन में तो हमने नेचुरल नंबर से लेके कहां तक, परिमेय संख्या तक डिस्कस किया है। तो हमने सिर्फ डेथ अभी तक उसका एक पॉइंट डिस्कस कर पाए हैं, दशमलव, ठीक है। तो जरूरी थोड़े दशमलव की ही क्वेश्चन आए, आपके पास इन इन पॉइंट से भी, प्राकृतिक संख्या से, इवन संख्या से और ऑड नंबर से, मतलब सम संख्या विषम संख्या, इनसे भी आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं और पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे भी गए हैं। तो सपोज दैट हम इनका आज पहला एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, इनके सम का,
अगर बोला जाए प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ, मतलब एक धन, दो धन, तीन धन, सो और कहां तक, अनंत तक की संख्याओं का योग बताओ, एक से लेके अनंत तक की संख्याओं का योग बताओ। तो देखो इसमें हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, यानी n2n+1/2, सिंपल सा। अगर यहाँ पे सम संख्या के बारे में बात करें, दो धन, चार धन, छह, सो आठ, इस तरह से अनंत तक, तो हम सिंपल सा फार्मूला अप्लाई करेंगे n(n+1)। और अगर हमारे पास सम करना हो एक धन, तीन धन, पांच धन, सो अनंत तक, तो हम सिर्फ अप्लाई कर देंगे यानी स्क्वायर। अब सोच रहे होगे सर ये क्या, आप फार्मूला कहाँ से डायरेक्टली ला दिए और फार्मूला आया कहाँ से, इसके बारे में अगर आप चर्चा करो तो हम लोगों को, आप लोग जो क्लास 10th में पढ़े रहे होगे समांतर श्रेणी, श्रेणियां पढ़ रखा ना, श्रेणी में वहां पे आपको इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है, बट हमको श्रेणी का पूरा दीर्घ डिस्क्रिप्शन नहीं करना है, पूरा विस्तार नहीं समझना है। रीजन के हमको कम से कम समय में अपने सवाल को सॉल्व करके वहां से निकलना है, ठीक है। तो जब भी आपसे कुल एक से लेके अनंत तक की संख्याओं का कोई योग पूछा जाए तो सीधा फार्मूला अप्लाई करता है, यानी n2n+1। अब यन क्या है, यन होती है संख्या, मतलब अंकों की संख्या या जितनी भी संख्याएं आपके पास है, जैसे एक से लेके इंफिनिट तक कितनी संख्या है, अनंत, मतलब संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं ना, यन का मतलब क्या होता है, संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, किनको कितनी संख्याओं को जोड़ना है, ये होता यानी n2n+1। अगर आपसे सम का पूछ लिया गया तो यानी n2n+1 हो गया, इसमें यानी n2n+1/2 हो जाएगा, और विषम संख्या में पूछा जाएगा तो यानी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ रही है। चलिए इसी के साथ दो टॉपिक, छोटे छोटे पॉइंट और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको क्वेश्चन से बहुत जगह यूज होने वाले हैं और यूज करना हमको पड़ सकता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर, ओके, इरेज करते हैं इसको। देखिए अभी हम नॉर्मल संख्याओं के योग के बारे में, जोड़ना, जोड़ हमको सीखना है। अब जोड़ हमको सीखना है, सपोज दैट अगर हमको कोई संख्या धनात्मक है, कोई संख्या धनात्मक है, यहां पे मान लेते हैं कोई संख्या है जो धनात्मक है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, और यहां पे हम गुणा के बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जो जोड़ और गुणा की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें चिन्हों की बात करेंगे, बाकी नंबर का जोड़ना और नंबर को गुणा करना आपको आता है। यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे, यहाँ पे जोड़ना और गुणा करना, सिंबल को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, सिंबल के बिहाफ पे क्या रिजल्ट हमारा होना चाहिए और नॉर्मल रिजल्ट हमारा क्या होना चाहिए। नंबर तो आपको पता ही है, जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, मल्टीप्लाई कैसे करना, ये सारी चीजें आपको पता है। तो सपोज हमने यहाँ पे जोड़ की बात करें, मान लेते हैं यहाँ पे कोई संख्या क्या है, धनात्मक है, धनात्मक संख्या को जोड़ना है किसी एक फिर से धनात्मक संख्या के साथ, ये भी एक धनात्मक संख्या है, संख्या हमने नहीं लिख रखा, कुछ भी लिख रखा है, धनात्मक संख्या है, यहाँ भी कोई धनात्मक संख्या है, इन दोनों धनात्मक संख्याओं को जोड़ोगे तो हमेशा संख्याएं आपकी धनात्मक ही आएंगी, दैट। और यहाँ पे जो अंक होंगे, यहाँ पे जो संख्याएं होंगी, जैसे मान लेते हैं ए है, सपोज दैट ए है, यहाँ पर भी ए है, तो क्या हो जाएगा, चलो थोड़ा सा ए के फॉर्मेट में ही लिख लेते हैं, जैसे लिखा धन ए है और यहाँ पे धन ए है, अब हमने ए ए ही लिख दिया। रीजन क्या है कि जब आप वेरिएबल के फॉर्मेट में आते, जब तक समान वेरिएबल नहीं होता तब तक जोड़ा नहीं जाता। खैर हम इसको अलजबरा में चर्चा करेंगे आपसे कि कौन से वेरिएबल को जोड़ा जाएगा, कौन से वेरिएबल को नहीं जोड़ा जा सकता, किसको घटाएंगे किसको नहीं घटाएंगे, किसको गुणा कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते, किसको डायरेक्टली लिख देंगे, इन सारी चीजों की चर्चा हम आगे करेंगे। बट यहाँ पे हमको जोड़ना है, तो जोड़ना इतना सा ये भी बताते रहे कि जब दो वेरिएबल समान होते हैं तभी उनको जोड़ा जा सकता है, इसलिए हमने वेरिएबल को सेम रख रखा। बट हमारा मेन टारगेट, मेन लक्ष्य क्या है, इसके सिंबल को समझना। एक धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या को एक धनात्मक संख्या के साथ जोड़ा जाता तो उसका जवाब हमेशा धनात्मक ही आता है, उसका आंसर मतलब यहाँ पे आने वाला जो चिन्ह होगा वो हमेशा धनात्मक ही आएगा, और ये दोनों संख्याएं आपस में क्या कर दी जाती हैं, जोड़ दी जाती है। क्लियर। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई संख्या ऋणात्मक है और उसके साथ किसी ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाए,
ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाए। जैसे अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें, इसकी एग्जाम्पल की बात, जैसे हमने लिखा सिंपली, हम लोग लिखते हैं 2 × 2 = सीधा क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, 2 × 2 = 4 लिख देते हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, जो चीजें हिडन रहती, जो दिखती नहीं है हमको, दिखाई भी, जब कोई भी संख्या लिखी होती अगर उसके पास कोई सिंबल नहीं तो धनात्मक है, कोई चिन्ह नहीं तो क्या है, धनात्मक है। अब ये प्लस जोड़ने वाला है और इसके पास भी कुछ नहीं बचा, मतलब अब जोड़ा जाए तुम्हारा रियलिटी में जवाब क्या हो रहा है, धन 4 हो रहा है। अगर आपके पास धन 4 होता है, मतलब धन होता है, हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, लो एक मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति होती है कि अगर उसके पास धन हो जाए, जिसको पैसा बोलते हैं आज के समय में, तो उसको क्या करता है, शो करने लगता है या दिखने लगता है, शो करने लगता है या दिखने, ऐसा है उसको वह इंसान छिपाने की कोशिश करता है। मतलब अगर उसके पास रखा हुआ है तो जो दिखेगा वो तो अलग बात, लेकिन सारा का सारा दिखाने का प्रयास नहीं करता। दैट मीन्स धनात्मक चिन्ह आपको बहुत कम ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर उसके पास कर्ज है, अगर उसके पास कर्ज है, उसके हर एक कर्ज का पाई पाई लोग को दिखता रहता है। रीजन क्या है, कभी मांगने वाले आ रहे हैं, कोई चिल्लाने वाला आ रहा है, हर जगह से लोगों को जानकारी हो जाती है। मतलब ऋण ज्यादा दिखता है, कर्ज ज्यादा दिखता है और धन बहुत कम दिखता है। उस लॉजिक से अगर देखें तो इस जगह किसी भी 2 × 2 में देखो 4 लिखा, कहीं भी धन का बहुत कम प्रयोग किया गया, प्लस का प्रयोग किया गया लेकिन प्लस दिखाया बहुत कम गया। क्लियर है। दूसरी बात है, अगर ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक के जोड़ दिया जाए तो आंसर जवाब आपका ऋणात्मक आएगा। मतलब आपने 2 रुपए कर्ज लिया था या 2 करोड़ कर्ज लिया था, 2 करोड़ और ले लिया, 4 करोड़ और लिया, तो आपका कर्ज बढ़ेगा ना, मतलब आप माइनस में ही जा रहे हो। तो यहाँ पर जवाब आपका क्या आएगा, माइनस ही आएगा। और दोनों धन को आपस में जोड़ दिया जाएगा, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट आता है, सपोज दैट हमारे पास, अब हम एक नंबर की बात कर लेते हैं, डिजिट्स की बात कर लेते हैं, -A+, और यहां पे हमने लिख दिया +B, ठीक है, -A+B, या इसको नंबर में करें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया -2 × 4 = चौथा पॉइंट हमने लिख दिया -4 × 2। क्लियर है, ध्यान से समझिए। या फिर हम इसी को उल्टा कर दें, पांचवा पॉइंट और छठा पॉइंट, दो पॉइंट और बना दें, बहरहाल इसमें समझ में आ जाएगा क्लियर, बट हम और बढ़ा देते ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। हमने यहां पे लिखा -2 × 3 बराबर, यहां पे हमने लिख दिया आपका ऋण तीन नहीं, ऋण दो ही लिखते हैं, ऋण दो, इसको क्या कर देते हैं हम, बदल देते हैं ऋण तीन, और यहां पे कर दिया धन दो, ऋण तीन धन, तो सेम सवाल हो गया भाई, कुछ अलग करना था यहाँ पे, हम यहाँ पे कर देते हैं आपका धन 3, यहाँ पे ऋण 2 कर दिया। क्लियर, ये आपके पॉइंट, यहां तक आपको समझ में आ गया क्लियर। अब यहां से समझिए, यहां पे आपके पास एक ऋण है एक धन है। अब आपसे पूछा जाए जवाब आपका यहाँ धनात्मक आएगा फिर ऋणात्मक आएगा, यहाँ पे जवाब कैसा होगा, यहाँ पे धनात्मक आएगा या फिर ऋणात्मक आएगा, इसकी हमको पहले चर्चा करनी है। नंबर क्या है, उससे हमें उसको हमने नहीं निकाला कि हमको जोड़ने पे क्या आने वाला, घटाने पे क्या आने वाला, और जोड़ना घटाना भी कैसे तय करना है हमको, क्लियर है। अब देखो, जब ऐसी कंडीशन होती है तो ऐसे में ध्यान से समझो, जो बड़ी संख्याएं होती हैं उसमें से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा, अभी सिंबल की बात हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बड़ी संख्या से काट कर देंगे, छोटी संख्या को घटा देंगे और बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगा देंगे। कुल मिला के इसमें जो बड़ी संख्याएं दिखाई देंगी, जोड़ घटाओं में जब आपके चिन्ह क्या हो, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो जा रहे हो, और हमको क्या करना, जोड़ने की ही प्रक्रिया को करना है, अंजाम देना है, तो वहां पे हमको क्या करना होता है,
हमेशा बड़ी बड़ी संख्याओं के चिन्ह को अप्लाई किया था। अब देखो आपको सवाल तो इस तरह से ब्रेकेट में बहुत कम देखने को मिलेंगे, आपको सवाल ऐसे देखने को मिलेगा। ये देखो हमने इसको हटाया, ये और ये हो सकता है माइनस दो धन चार, ऐसा सवाल बन सकता है और ऐसा ही आपको देखेगा माइनस दो धन चार। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, धन चार आएगा। क्या करेंगे, बड़ी संख्या के पास जो सिंबल होगा उसी का प्रयोग करेंगे और उसमें से छोटी संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपका जवाब। अब ऐसा क्यों, एक सिंपल से एग्जांपल से समझो जिसको जो सबको समझ में आता है। आपने 2 रुपए कर्ज लिया है, आपको 4 रुपए धन मिल गया, मतलब सबसे पहले आप 2 रुपए कर्ज को बराबर करोगे, आपके पास धन अभी बचा कितना, 2 रुपए। देखो धन 2 आ गया, यहाँ पे ध्यान से समझो माइनस 4 धन 2 है, तो यहाँ पे कर्ज ज्यादा है, ऋण ज्यादा है, यहाँ पे आंसर आएगा ऋण। और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे तो कितना आएगा, -2 आ जाएगा। तो इसी प्रक्रिया के साथ हम इस तरफ से, यहाँ पे 2 और 3 है तो मतलब माइनस होगा, 1 आएगा, यहाँ पे 3 2 है तो यहाँ पे 1 आएगा धन के साथ। लेकिन आपको जो सवाल मिलेंगे सॉल्व करने को वो कुछ इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे, इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे आपको, ऐसा जैसे हमने ब्रैकेट में सजा के आपको दिया ना, इस तरह से सजा सजाया नहीं मिलेगा। रीजन क्या, एक एक्चुअल फॉर्म है, एकदम रियल फॉर्म है कि हमको करना क्या, सॉल्व क्या करना है। अगर इस तरह से कंडीशन हुई तो आपको ब्रेकेट लगा दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। बातें समझ में आ रही है, ये आपका जोड़ की प्रक्रिया हुई। अगर सेम चिन्ह के दो संख्याएं एक साथ रखी जाती जोड़ने के लिए, उनको जोड़ लिया जाता वो हमेशा धनात्मक आती है। दोनों रूल हमने एक ही लाइन में बोल दिया, कुल मिला के प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस है और माइनस माइनस को साथ में जोड़ना है तो माइनस ही आएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, आपको ऐसे -2 -2 -5 इस तरह से दिया है ना, माइनस तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, कुछ लोग का इवन ऑड ही चलने लगता है। तो ये गलतियां मत करिएगा, काफी लोगों को हमने देखा है गलतियां करते हैं बार बार, रिपीट एंड रिपीट। इतनी चीजें समझ में। अब गुड़े की तरफ आते हैं, गुड़ा ही ऐसी प्रक्रिया है जो सबको याद है। ये प्रक्रिया जो मतलब जोड़ने का ये रूल है, इस रूल को सब भूल के हर जगह इसी की प्रक्रिया अप्लाई करते हैं, यही रूल अप्लाई करते हैं। इसका सिंपल सा रूल है, अगर प्लस को प्लस के साथ गुणा कर दिया तो क्या देना है, प्लस ही देगा, है ना। अगर माइनस को प्लस के, माइनस को माइनस के साथ गुणा दिया तब भी प्लस देगा, माइनस को प्लस के साथ गुणा कर दिया तो आपको क्या माइनस दे देगा, और प्लस को माइनस के साथ गुणा कर दोगे तो क्या तब भी ये माइनस ही देगा। यही इतने 4 रूल इसके हैं। हम इन्हीं रूल को, काफी बच्चे ऐसे हैं जो इस रूल को जानते रहते हैं और इसी रूल को यही समझ बैठते हैं हमेशा बार बार, जबकि जोड़ने का रूल और गुणा करने का रूल दोनों क्या है, एकदम से अलग अलग है। तो हमने 2 कंडीशन आपको सिखा दी, एक आपके नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको अनंत तक जोड़ने के लिए, जहां तक भी जोड़ना है उनकी अंतिम संख्या तक लगातार संख्याओं को जोड़ने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1/2 लगाएंगे। अगर आपके पास इवेन नंबर्स को सम करना है, एकदम प्रारंभ से इवेन नंबर्स को सम करना है तो क्या अप्लाई करेंगे, n इंटू n प्लस 1 अप्लाई करेंगे, और अगर ऑड नंबर को जोड़ना है तो n स्क्वायर अप्लाई करेंगे। क्लियर है, चलिए अब हम इसी बेसिस पे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन हमारे कैसे आएंगे या किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है, चलो पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आज के टॉपिक के। पहला सवाल जो हम लिखने चल रहे हैं आपका, ये 2016 सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन आपका है 1 -1 है, -1 +2 -3 +4 सो ऑन +1000। इसमें हमको क्या निकाल, योग बताना है, का योग होगा, इसका योग क्या होगा, इसको हमको जोड़ना है, 1 -1 +2 -3 +4 इस तरह से +1000 तक हमको जोड़ के बताना है इसका जवाब क्या आने वाला है। ये आपका 2016 में शायद पूछा गया था, मेरे को क्लियरली याद नहीं लेकिन इतना शायद याद है 2016 में ही पूछा गया था, बट जो भी है ये सीटेट में पूछा गया सवाल है, ये डिक्टो यही सवाल आपके सीटेट में पूछा गया। क्लियर, अब ध्यान से समझिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हम एक एक नंबर को सॉल्व करने पे आ जाए, ध्यान से समझो,
अगर हम इस पेयर को ध्यान दें, एक जोड़े यहाँ पे क्या मिलेगा, वन मिलेगा, माइनस वन प्लस टू धनात्मक का, धन एक मिलेगा, यहां से यहां पे आए तो धन एक मिलेगा, इस तरह से यहाँ पे कौन बनेगा माइनस निन्यानवे में यहां तक आए तो धन एक मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है, समझ में आ रही बातें। अब सोचो कितनी संख्याएं हैं, हजार संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, सॉरी 999 है, हजार संख्याएं हैं, हजार संख्याओं में दो दो संख्याओं का पेयर बन रहा है, दो दो संख्याओं का पेयर बन रहा है, मतलब टोटल कितने पेयर बनेंगे, 500 पेयर बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, 500 पेयर बनेंगे, और प्लस वन प्लस वन प्लस वन को 500 बार जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जवाब में, 500 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, क्लियर है, बातें समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझो ये चीजें, आप जनरली सोच के देख के अगर इस तरह से क्वेश्चन आपके पास दिए गए तो रेंडमली आप देखो और आंसर दे दो, बट अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही, थोड़ा सा डर महसूस हो रहा है, पता नहीं आंसर सही है गलत है, अगर आपको सस्पेंस हो रहा है तो थोड़ा सा हम इसको एकदम स्ट्रिक्टली रूल बाय रूल की तरफ लेके चलते हैं। इसी के साथ एक दो पॉइंट आपको और बताते हैं। मान लो आपके आपके रूल में क्या था, एक संख्या थी यन, यन क्या थी, संख्या संख्याओं की संख्या निर्धारित करती थी, या संख्याएं निर्धारित, कितनी संख्याएं हैं, नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स बताता था, कितनी कितनी डिजिट्स वहां पे हैं, कितने नंबर्स हैं आपके पास, उनको रिप्रेजेंट कर रहा था ये। अब देखो यहां पे अगर हमको रिप्रेजेंट करना था, हमको कुछ इस तरह के फॉर्मेट में तोड़ लेना पड़ेगा, देखो दो धन चार धन छ धन आठ प्लस सो ऑन, धन कितना हो जाएगा आपका 1000, ये तो सबकी सब आपकी क्या हो गई, इवन नंबर्स हो गए। हम यहाँ पे माइनस कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, एक धन तीन धन सो ऑन धन 999, ये बन गया सभी इवन संख्या, ठीक है। अभी हमने बताया कि फार्मूला अगर आपके पास सभी ऑड नंबर को, ऑड संख्याओं को जोड़ना है, सभी ऑड नंबर्स को जोड़ना है, हम ऑड नंबर्स को जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, यन स्क्वायर लगाते हैं, इवन नंबर्स को जोड़ने के लिए यन इंटू यन प्लस वन लगाते हैं, लेकिन हम यन यहाँ पे कैसे पाएंगे, हमारी अंतिम संख्या है कौन, या हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ना नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास कितने, मतलब कितनी संख्या है हमारे पास जिनको जोड़नी है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, दो चार छह हजार तक की जो संख्याएं हैं, तो सबसे पहला अगर हमारे पास इवन को जोड़ना है, इवन को जोड़ना है तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, इसका फार्मूला था यल अपान टू, जहां पे यल का मतलब होता है लास्ट नंबर, क्या लास्ट नंबर, अगर किसकी बात हो रही है, इवन की बात हो रही है, दो चार छह आठ दस इस तरह ये सब इवन है, इवन में हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने, मतलब यन की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या होता है, यल अपान टू होता है। दूसरी कंडीशन है अगर हमारे पास ऑड हो गया, अगर हमारे पास ऑड हो गया तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आता है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स जो आता है वो होता है यल प्लस वन अपान टू, तो यल के बारे में बताया ना, क्या होता है लास्ट नंबर होता है, जो आपके टर्म में एकदम 999 1000 लास्ट नंबर आया है, ये लास्ट नंबर होते हैं, क्लियर है। अगर तीसरी कंडीशन की बात करें, अगर हमारे पास नेचुरल नंबर टोटल हो जाए, मतलब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ही हो जाए, तो यल ही मतलब लास्ट संख्या ही उसकी क्या होती है, यल की वैल्यू होती है, लास्ट संख्या ही क्या होती है, यल की वैल्यू होती है। ये तीन चीजें आपको समझ में आई यहां से, अगर हमारे पास इवन नंबर है और इवन नंबर में हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं, कितने टर्म है यहाँ पे जिनको हमें जोड़ना है, ऐसा तो नहीं हम अनंत तक को जोड़ रहे हैं, या अनंत तक जाए तो हमेशा दो चार छह एक एक नंबर बीच में गैप हो रहा है, मतलब टर्म हमारे कम हो जाएंगे ना नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में, वही कंडीशन ऑड के साथ भी होगी, इसमें एक एक नंबर बीच बीच से गायब हो रहे हैं नेचुरल नंबर के रिस्पेक्ट में, मतलब टर्म हमारे कम हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करना है, एल अपान टू इवन के लिए, ऑड के लिए एल प्लस वन अपान टू, और नेचुरल नंबर के लिए यल ही रह जाएगा। अब आते हैं अपने सवाल की तरफ, सवाल इसमें ध्यान से देखो, दो चार छह हजार है तो
इसके रिस्पेक्ट में अगर निकालेंगे तो 1000 बटे कितना, 2 बराबर कितना मिल जाएगा, 500 मिल जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे यहाँ पे दूसरे वाले पॉइंट में इवन नंबर्स का है, सॉरी ऑड नंबर्स का है, तो क्या होगा 999 धन 1 बटे 2 बराबर कितना, 1000 बटे 2 बराबर कितना हो गया, 500 आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है इवन नंबर्स को जोड़ने का। इवन नंबर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, यन इंटू यन प्लस वन होता है। ऑड नंबर्स को जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर होता है। बीच में कौन सा चिन्ह है, ऋण का चिन्ह लगा दिया, क्लियर है। यन कितना मिला, 500, 500 गुणे इसमें अंदर में 500 धन 1 माइनस 500 का कितना हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 500 गुणे 500 मतलब कितना हो गया, 2,50,000, है ना। धन यहाँ पे कितना, 500, ऋण या ये भी कितना हो गया, 2,50,000। इससे ये कट जाएगा, कितना बचेगा भाई, 500 बचेगा। देखो यही जवाब यहां पर भी आया था कि नहीं आया था, आया कि नहीं। देखो चाहे आप इस तरह से अपने आप सोच सको, तेजी से सोच लो, बिना पेन चलाए सॉल्व हो जाएगा। अगर आप रूल की तरफ बढ़ोगे तो आपको कुछ कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे, और कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे इसलिए भी आप थोड़ा सा अभ्यस्त हो जाओगे, थोड़ा प्रयास करना शुरू करोगे, लगातार कंटिन्यूटी रखोगे, ये भी आपको देखते ही जवाब देना शुरू कर देगा। क्लियर है बातें, समझ में आई, डन। नोट करो, हम इसको टाइम देते हैं आपको नोट करने का। चलिए भाई बिठाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देते हैं आपको, इस क्वेश्चन समझ में आ गया क्लियरली। चलिए एक सिंपल सा सवाल, इसमें दूसरा सवाल, 1 - 2 + 3 - 4 प्लस सो ऑन -100 का योग होगा, का योग होगा। अब इसका योग बताना है, सिंपल सा लॉजिक, दो दो टर्म का ले लो, ये -1 देगा, ये भी -1 देगा, यहाँ भी क्या मिलेगा, -1 ही मिलेगा। कितने टर्म टोटल है, 100 टर्म है यहाँ पे टोटल। टोटल कितने टर्म है, 100 टर्म है। दो दो का जोड़ा बना, कितने टर्म बने, 50 टर्म बने, और 50 टर्म बने सब में -1 आ रहा है, मतलब आंसर कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। 1 सेकंड में निकल गया क्वेश्चन, देखा और जवाब हो गया, ठीक है। अब रूल से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या करेंगे, 1 धन 3 धन 5 100 कहां तक, धन 99 तक, इतने हो गए ऑड। माइनस को कॉमन लिया, यहां पे लिखा 2 धन 4 धन 100 धन 100, ये हो गए इवन। अब सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ टर्म, तो क्या होगा, यल प्लस 1/2, मतलब क्या हुआ, 99 धन 1 बटे 2 बराबर कितना, 100 बटे 2 बराबर कितना, 50। यहां पे क्या, 100 बटे 2 बराबर कितना हुआ, 50 हो। फार्मूला क्या लगेगा, यन स्क्वायर, यहां पे लगा है माइनस, फार्मूला आपका है यन इंटू यन प्लस 1, यही बनेगा, क्लियर है। रखेंगे तो कितना होगा, 50 का स्क्वायर माइनस अंदर में 50 × 50 धन 1, क्लियर है। क्या हो जाएगा, 2500, मतलब 2500 यहां पर भी आएगा, 2500 धन 50। अगर इसके ब्रेकेट को हम हटाते हैं तो क्या बनेगा, 2500 माइनस क्या बनेगा, 2500 माइनस 50, सॉरी 50, ये दोनों आपस में कट गए, कितना आ गया, -50, ये जवाब आप। अब फार्मूले से अगर हमने सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से सॉल्व हुआ।
अगर हम थोड़ा सा लॉजिकल सॉल्व में मतलब फटाक से देख के सॉल्व कर ले रहे हैं, हमको तुरंत आंसर -50 मिल जाए। हम आपको दोनों चीजें इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि आप कोशिश करो कि आपका जो सवाल हो, जो क्वेश्चन हो, कम से कम समय में कंप्लीट हो जाए। हमको ज्यादा समय नहीं टेक करना कि हम उसको समय को बर्बाद कर, क्योंकि हमको हर क्वेश्चन पे 1 मिनट मिलने वाले हैं। और कुछ क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी हो सकते हैं जो 1 मिनट से ज्यादा समय लेने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो 1 मिनट से कम समय लेंगे। तो हमको ये समय बचाना है किसी अगले बड़े क्वेश्चन के लिए, जहां पे हमको सोचना पड़ सकता है, जहां पे हमको समय देना पड़ सकता है, ऐसे सवाल के हमको समय मेंटेन है। इन सब सवाल में हमको देखो और जवाब कर दे, 10 सेकंड 10 सेकंड ओनली 10 सेकंड के क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना। सबके सब कितने सेकंड के क्वेश्चन है, 10 सेकंड से ज्यादा के सवाल कोई भी नहीं है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल हमारा बनता है, चलो हम लिखते हैं। देखो ये जो सवाल आपको बता रहे हैं, पर्टिकुलर कहीं से लिख के या किसी जैसे एग्जाम के पैटर्न पे हम बता रहे हैं कि मस्ट नहीं है कि आपके यही सवाल हो, यही सवाल आ रहे हो बार बार ना, कभी कभी चेंज भी हो जाता है पैटर्न। बट आपके जितने भी पुराने पैटर्न्स हैं, जितने क्वेश्चन पूछे आपसे गए हैं, उन सारे पैटर्न्स को हम आपको यहाँ पे बारी बारी एक दो क्वेश्चन कराते चल रहे हैं। ठीक, चलिए अगला सवाल है। एक्स इज इक्वल टू, हमने लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 1 - 2 + 3 - 4 + 2 r, हमने लिख दिया यहाँ पे +999 - 1000 में यक्ष का योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम होगा। हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे यक्ष बराबर दिया गया 1 - 2 + 3 - 4 + 1000 तक आपको दिया गया, और हमसे इस बार सवाल पूछा गया यक्ष का, इसमें यक्ष का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। मतलब ये जो यक्ष दिया गया है, या इसका लिख दें यक्ष का कॉमा कर दें, यक्ष का योज्य प्रतिलोम होगा। यक्ष का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? आप देखो प्रतिलोम नया वर्ड है, कुछ लोगों के लिए प्रतिलोम नया वर्ड हो रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराना वर्ड है, कुछ लोग जान रहे हैं। तो हम प्रतिलोम के बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं। प्रतिलोम है क्या? प्रतिलोम जानो, बेसिकली प्रतिलोम वो होता है जो आपको आइडेंटिटी की तरफ ले जाए। अब आइडेंटिटी क्या है? जोड़ की आइडेंटिटी वह नंबर होता है, समझिएगा, आइडेंटिटी वह नंबर होता है जिसको किसी संख्या के साथ जोड़ने या घटाने पर उसके मान में परिवर्तन न करे, और जिसको किसी संख्या में गुणा या भाग करने से उसके उसमें कोई क्या हो, परिवर्तन ना हो। ध्यान से समझिएगा, अगर हमको जोड़ और घटाओ इन दोनों के लिए आइडेंटिटी की बात करें तो हमारे पास क्या होती है, जीरो होती है। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आइडेंटिटी की बात करें तो क्या होती है, वन होती है। ध्यान से समझो ऐसा क्यों, शून्य को किसी संख्या के साथ जोड़ दो, किसी संख्या के साथ घटा दो, वो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला उस नंबर पे, नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। जब नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वही हमारा क्या हो, वो नंबर क्या हो गया, ये आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेशन और डिविजन में ध्यान से समझो, मल्टीप्लीकेशन किसी संख्या में एक से गुणा लगा दो, किसी संख्या में क्या कर दो, एक से गुणा लगा दो। अगर उसमें एक से गुणा लगाया या किसी संख्या में आपने भाग दिया, आपने क्या किया, किस संख्या में एक से भाग दिया, उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ने, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, तो आइडेंटिटी यहाँ पे वन हो जाती है। अब बात करते हैं प्रतिलोम की। प्रतिलोम क्या होता है? अब प्रतिलोम प्लस के लिए भी है, प्रतिलोम माइनस के लिए भी है, प्रतिलोम मल्टीप्लाई के लिए, प्रतिलोम डिवाइड के लिए, मतलब जोड़ घटाओ गुणा भाग चारों के लिए प्रतिलोम हमसे पूछा जा सकता है। योज्य प्रतिलोम ना, घटाने घटाव का प्रतिलोम हो सकता है, गुणे का प्रतिलोम हो सकता है, गुणात्मक प्रतिलोम या भागात्मक प्रतिलोम, सारे प्रतिलोम आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मान लो कोई संख्या है a, या मान लेते हैं हम संख्या ही ले लेते हैं, 2 ले लिया। अब 2 के साथ किसको जोड़ दिया जाए, क्योंकि हम धनात्मक योज्य प्रतिलोम की बात कर रहे हैं, धनात्मक मतलब कि जोड़ने की प्रक्रिया,
हमने लिख दिया संख्या दो, संख्या क्या लिख दिया, दो लिख दिया। दो का, दो क्या है, धनात्मक है ना, क्योंकि और हमको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पे हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो वह कौन सी संख्या ऐसी जोड़ दी जाए यहाँ पे, क्या हो जाए, ये शून्य की तरफ चल जाए, क्योंकि धन और ऋण के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, शून्य मिलना चाहिए। मतलब हम यहाँ पे ऋण दो जोड़ दें, कुल मिला के इसका योज्य प्रतिलोम कौन है, ऋण दो हो जाएगा। इसी तरह अगर ऋण दो लिखा गया, इसका योज्य प्रतिलोम कौन बन जाएगा, धन दो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धन दो बन जाएगा। इससे ये जीरो की तरफ जाएगा, इससे जीरो की तरफ जाएगा। मतलब कुल मिला के एक साफ शब्दों में बोले, अगर आपको किसी धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम चाहिए तो उसी संख्या का ऋणात्मक कर दो। जैसे चार लिखा है तो इसमें से माइनस चार कर दो, आपको जीरो दे देगा। ऋण तीन लिखा है, इसमें धन तीन कर दो, क्या दे देगा, जीरो दे देगा आपको। समझ गया नहीं बातें। अगर कोई किसी संख्या का क्या लेना है, धनात्मक धन है, योग करना है, अगर धनात्मक है तो उसका प्रतिलोम क्या ऋणात्मक आएगा, अगर ऋणात्मक है तो उसका प्रतिलोम क्या आएगा, धनात्मक आएगा। गुणे में देखो क्या है, अगर मान लो कोई संख्या ए है, कोई संख्या ए है, इसका प्रतिलोम क्या होगा। अब इसका प्रतिलोम क्या हो सकता, इसी का इनवर्स, इसी का वन अपान समथिंग। ए है, ए में वन अपान ए से गुणा कर दोगे, एक मिल जाएगा। और आपका भाग की कंडीशन में से मान लो ए है, ए को किससे भाग दोगे, ए को किससे भाग दोगे कि ताकि हमको एक मिल जाए, क्या वन मिल जाए। तो ए को वन अपान ए से ही भाग देंगे, तो इसका भागात्मक प्रतिलोम कौन हो गया, वन हो गया। सॉरी, भाग देने की बात हो रही है तो क्या करेंगे, ए से ही भाग देंगे, किससे भाग देंगे, ए से ही भाग देंगे। स्वयं का स्वयं के साथ क्या हो जाता है, ये भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर इसको थोड़ा सा फ्रैक्शनाइज करें तो ए का क्या होगा, वन अपान ए हो जाएगा, वन अपान ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपका, मतलब जस्ट उसी को पलटते जाओ ना, अगर भिन्न की प्रक्रिया में है तो जस्ट उसको पलट दो, क्लियर। तो ए अपान समथिंग दिस, तो प्रतिलोम समझ में आया। तो प्रतिलोम की बात यहां पे सवाल में क्या पूछा गया, यक्ष का योज्य प्रतिलोम बताओ, मतलब योग के रिस्पेक्ट में, जोड़ने के रिस्पेक्ट में इनका प्रतिलोम क्या होगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, इनका सम निकाल लेना है। तो सम कितना आएगा, हम डायरेक्टली लिखते हैं, यहां से एक, यहां से माइनस वन, यहां से भी माइनस वन, यहां से भी माइनस वन, कितनी बार, हजार बार है, मतलब माइनस 500 इसका जवाब आएगा। लेकिन हमको इसका योज्य प्रतिलोम चाहिए, मतलब इसका योज्य प्रतिलोम कितना हो गया, 500 हो गया। कौन जवाब बनेगा, 500 इसका जवाब बन जाएगा। बातें समझ में आ रही है, इसका हमको क्या चाहिए, योज्य प्रतिलोम, मतलब इसका जवाब जो आ रहा है, यक्ष ही तो है ना पूरा का पूरा, माइनस 500, माइनस 500 कितना है, इसका यक्ष ही है, यक्ष का योज्य प्रतिलोम कौन होगा, 500 होगा। और अगर 500 को जोड़ दें माइनस 500 में, हमको क्या मिल जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा, जो कि हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। क्लियर है बातें, समझ में आ रही है। चलो एक सवाल और लिखते हैं नेक्स्ट, एक ही लिखा हुआ है यहाँ पे, चलो यहाँ हम दो लिख देते हैं, है ना। अगला सवाल हमने लिख दिया, यक्ष इज इक्वल टू, यक्ष इज इक्वल टू माइनस वन प्लस टू माइनस थ्री प्लस फोर सो ऑन प्लस 100 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। क्या पूछा गया, गुणात्मक प्रतिलोम पूछा गया हमसे। यहां सब देखो ध्यान से समझ, अभी गुणात्मक प्रतिलोम के लिए क्या बताया, अगर a है तो उसका 1 अपान a हो जाएगा, अगर 1 अपान a है उसका a हो जाएगा, ठीक है। a है तो क्या, जस्ट उसका तो भिन्न में हो जाएगा, वो संख्या भिन्न में चली जाएगी, क्लियर है। तो इसका सबसे पहले हम क्या निकाल लें, योग निकाल लें। योग निकालेंगे तो यहां से क्या मिलेगा, एक, यहां से फिर मिलेगा एक, यहां से फिर मिलेगा एक, कितनी क्या है आपके अंतिम संख्या, 100 है, मतलब 50 जोड़े बनेंगे, 50 टर्म बनेंगे, और 50 बार एक को जोड़ने पर हमारा योग कितना आएगा, 50 आएगा। बट योग का हमको क्या चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। योग का जो 50 आया है इसका क्या चाहिए, गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए। गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाए, 1/50 हो जाएगा। गुणात्मक प्रतिलोम इसका क्या हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। इसका प्रतिलोम कितना मिलेगा,
1/50 मिल जाएगा। क्लियर है, बातें समझ में आ रही है? डन। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा, अगला सवाल लिखा गया 2 धन 4 धन 6 धन 100 8 कितना तक? 1000। अब इनमें क्या करना है, इनका योग बताना है, इनका क्या करना है, योग बताना है। अब योग के बारे में अगर बात करें, इनका योग बताना है, तो क्या है, सारी संख्याएं क्या दिख रही हैं आपको? इवन दिख रही हैं। इवन के लिए हमने क्या, सबसे पहली कंडीशन हमको निकाल लेना है नंबर ऑफ टर्म, क्या करना है, यल अपान टू करना है, मतलब कितना, 1000 बटे कितना, 2 अप्लाई करना, कितना आएगा भाई, 500 बनेगा, 500 बनेगा ना, क्लियर है, 500 बन गया। इवन संख्या के लिए हमने क्या बताया था, n इंटू n प्लस 1 अप्लाई कर देना है, क्या अप्लाई करना है, n इंटू n प्लस 1 कर देना है। तो मतलब क्या, वो 500 ब्रैकेट में 500 धन 1 कितना हो गया, 50 25 2,50,000 धन 500, तो जोड़ लो 2,50,500, 2,50,500 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक सवाल और लिखें, यहां पे लिख देते हैं 2 धन 4 धन 100 8 कहां तक, 100 का योग बताओ, कितना, 100 का योग बताओ, यहां तक का योग बताओ, तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगा, तो 50 × 50 धन 1 बराबर कितना, 2,500 × 50 बराबर कितना हो गया, 2,550 कितना हो जाएगा, 2,550 बनेगा पक्का, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2,550 बन जाएगा, 50 25 50 2,550 बन गया। डन, सवाल समझ में आ रहे सारे? तो इस तरह से आपके बहुत सारे सवाल आपके पास बन सकते हैं। डन है, आगे बढ़े हम, चलो नोट कर लो आप, नोट करने का टाइम आपको देते हैं। चलिए मिटाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और आपके पास सवाल कुछ और इस तरह से भी हो सकते हैं, जैसे कि लिखा हो 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग, सभी पूर्ण संख्या लिख दो या पूर्णांक संख्या मान लो, सभी पूर्ण या पूर्णांक संख्याओं का, या प्राकृतिक संख्या लिख लो यहाँ पे, सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, अपना वही रूल लगा दो। अगला क्वेश्चन हम लिख देते हैं, 1 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग होगा। सातवां सवाल आप हम दे देते हैं, 1 से 45 तक सभी विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग होगा। ये 3 सवाल आपके जिम्मे पे हैं, इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करके, जितने भी रूल रेगुलेशन हमने आज पढ़ाए हैं इसी के बेसिस पे सॉल्व होने हो जाने हैं, इनको सॉल्व करके आपके पास जो भी क्वेरी है, जो भी आपका जवाब है, आपका व्हाट्सएप है 9696726252, इस पर आप डायरेक्ट SMS कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल है आपका इविल मैथ्स के ही नाम से, जिस नाम से आपका चैनल है इविल मैथ्स के नाम, इसी नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल है, इसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? तो आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं,
और आप वहां पे अपनी क्वेरी को पुट करो, और आप सबका जवाब आपका चाहे कमेंट में, जैसे अभी तक तो ज्यादा लोगों ने कमेंट में रिप्लाई नहीं किया, शायद उनको शर्म आती हो, डर लगता हो, बट ज्यादा से ज्यादा लोगों ने अभी तक चैनल्स पे या कॉन्टेक्ट पे रिप्लाई कर रखा अपने जवाब का, तो जो भी आपको सुटेबल लगता, बस हमारा यही लक्ष्य है कि आप पढ़ते रहो और आपके जो 15 में से 15 है, 20 में से 20 आपके आने चाहिए। क्लियर है? तो आज का क्लास इसी पे एंड करते हैं, कल मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ, नए नियम कानून के साथ। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।